और आज हम बात करेंगे लेट गो की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज़्यादा बात करती है लेट गो के बारे में, फॉरगिवनेस के बारे में, लेकिन अगर देखा जाए तो हम सबसे ज़्यादा अपनी पास्ट मेमोरीज को लेके ही परेशान होते हैं और पास्ट मेमोरीज हमें कुछ भी सर्व नहीं करती है, कोई पर्पस सर्व नहीं करती है। अगर हम उसके लिए न्यूट्रल हो जाएं और विटनेस करें, जैसे एक मूवी देखते हैं और उसके बाद मूवी देख के बाहर आते तो सब भूल जाते हैं, वैसे ही अगर हम पुरानी यादों को देखें और उससे कोई इमोशन अटैच नहीं करें तो हमारे दर्द में काफ़ी कमी आएगी और हम अच्छे से जी पाएंगे। लेकिन इसके तरीके के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड आज मैं बताने वाली हूँ, बर्न द पेपर। नाउ व्हाट इज़ बर्न द पेपर? आपने आपकी कोई बुरी याद है, कुछ ऐसी घटना है जो आप भुला नहीं पा रहे हैं और किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं, तो सबसे अच्छा दोस्त है एक पेन लीजिए और एक पेपर लीजिए, उसमें लिख डालिए सारी घटना। और जब आप लिखते हैं तो आपका मूड एकदम इमोशन में, गुस्से में नहीं लिखिए, क्योंकि उस समय की जो चीज़ होगी वो काम नहीं करेगी। जब आप एकदम न्यूट्रल हैं, अकेले बैठे हैं और कोई बात नहीं है लेकिन वो बार बार आती है बात दिमाग में, तो उस पूरी स्टोरी को लिख डालिए, जितनी डिटेल में लिखेंगे उसको लिखिए। अब उसके बाद क्या करना है, या तो आप अपने दोस्त को सुनाइए पढ़ पढ़ के जोर जोर से उसको, या फिर अकेले हैं तो आप अकेले अपने कांच के सामने बैठ के पढ़िए, नहीं तो खुद भी यूं ही पढ़ लीजिए बिना मिरर के भी, और जोर जोर से पढ़िए, एक बार पढ़िए, देखिए आपके क्या इमोशंस आते हैं। हो सकता है आपके आंसू आएँ, आपके गला भर जाए, लेकिन आप उसको बार बार पढ़ते जाइए, एक बार, दो बार, तीन बार, 10 बार, जब तक आपको लगता है कि अब पढ़ने के वक्त मुझे कोई भी इमोशन महसूस नहीं हो रहा, बस पढ़ते जाइए। ये काफ़ी पावरफुल टेक्निक है, क्योंकि मैंने इसे खुद अपनाई भी है। जब मैं देखती थी कि मुझे कोई पुरानी चीज़ें बहुत परेशान करती थी और वो जाने रही थी दिमाग से, लेकिन जब मैंने इसको ट्राई किया, मैंने अपने ऊपर अपनाया, तो वो मुझे अब याद आती, कोई बताता है तो, लेकिन मेरा कोई उससे इमोशन जुड़ा हुआ नहीं होता है, ऐसा लगता है कोई दूसरे की मैं बात कर रही हूँ। तो आप भी ये कर सकते हैं, और उसके बाद जब आप लिखते जाएंगे, लिखने के बाद आप एक लाइटर तैयार रखिए या फिर एक गैस पर जाके उसको जला दीजिए। जलाने के बाद वो जो बची हुई एशेज हैं उसको जाके पानी में बहा दीजिए। अब ये इस टेक्निक को करने में 10 से 12 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे। आपको चाहिए क्या, एक पेंसिल चाहिए, एक पेपर चाहिए, आपका पीस ऑफ माइंड चाहिए। पीस ऑफ पेपर के साथ पीस ऑफ माइंड भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि उस समय हम इमोशंस में नहीं होंगे, सिर्फ काम माइंड से उसको लिखते जाएंगे, लिखेंगे और उसको फिर जला देंगे। मुझे बताइएगा ये टेक्निक कैसे रही। ये बहुत पावरफुल टेक्निक है, हर लड़कियाँ, हर स्टूडेंट, हर औरतें, हर आदमी जो जॉब से परेशान है या कोई ऐसे एक्सपीरियंस है जिसको वो आगे नहीं बढ़ पा रहा, एक छोटी सी टेक्निक को यूज़ करिए। क्योंकि ये टेक्निक्स इसीलिए हैं कि हम स्टक ना रहें और आगे मूव ऑन कर जाएं लाइफ में। आज के लिए बस इतना ही। मुझे बताइएगा कि ये टिप कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।